ड्रीम इलेवन पर 2 करोड़ रुपया जीतने वाली टीम को कैसे बनाया जाता है। तो भाई यहां तक के यदि आप पहुंच गए हो ना तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गाइस मैं आपको कह सकता हूं कि आपको ड्रीम इलेवन पर 2 करोड़ रुपया जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि गाइस देखो आप लोग क्या ना कि ड्रीम इलेवन पर टीम बना रहे हो बहुत दिनों से, बहुत सारा भाई मुझे कमेंट करता है भाई मैं जो ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ वह 4 साल से ड्रीम इलेवन को खेल रहा हूँ, कोई बोला भाई मैं 5 साल से खेल रहा हूँ, कोई बोला भाई मैं 7 साल से ड्रीम इलेवन को खेल रहा, बट अभी तक ये क्या ना कि भाई ड्रीम इलेवन पर ये नहीं पता कर पाया हूं कि ड्रीम इलेवन पर 2 करोड़ रुपया जीतने वाली टीम को कैसे बनाया जाता। आखिर कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो भाई यहां पर से ड्रीम इलेवन पर 2 करोड़ रुपया जीतने वाली टीम बनाता होगा और वह 2 करोड़ रुपया को विन करता होगा। आखिर वह जो टीम बनाता है, वह जो टीम क्रिएट करता है, वह कैसे टीम को बनाता है, यानी कैसे वह टीम को क्रिएट करता है जिससे क्या ना कि भाई वह 2 करोड़ रुपया को विन कर जाता और आप नहीं विन कर पाते हो। तो गाइस देखो इस वीडियो को पूरा देख ले तो, और इस वीडियो में जो मैं अभी आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, यदि आप यह 3 ट्रिक को क्या ना कि अभी आपके सामने वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में आप यह 3 ट्रिक को अपना लेते हो ना तो भाई क्या कि ग्रैंड लीग को विन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप ग्रैंड लीग को विन कर जाओगे। देखो आपको बोल देता हूं क्लियरली इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गाइस आपको 20 टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली आप 5 टीम से क्या ना कि भाई ग्रैंड लीग विन करोगे यानी आप जीएल विन करोगे। क्योंकि यहां पर से आप ना कुछ क्या है कि भाई ड्रीम इलेवन में टीम क्रिएट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना होगा, जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे, लॉजिक के साथ टीम नहीं क्रिएट करोगे तो भाई ग्रैंड लीग की विनिंग की चांसेस जो होता है ना वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब देखो ग्रैंड लीग जो विन करता है वह ओनली 2 से 3% लोग ही ग्रैंड लीग को विन करता और वह 2 से 3% लोगों के अंतर्गत आओ तो भाई क्या नहीं कि वह आप कह सकते हो टॉप 100 में आ जाता है। बट गाइस इस वीडियो को आप पूरा देख लिए तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या है कि गाइस आप बड़े आसानी तरीके से ग्रैंड लीग को विन कर जाओगे यानी आप बड़े आसानी तरीके से जीएल को विन करोगे। तो सभी भाई सोच रहे हो भाई ड्रीम इलेवन से 2 करोड़ रुपया जीतना, तो सभी लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पूरा देख लेंगे। उससे पहले आप ये सोच रहे हो कि भाई आपने कितना बार ग्रैंड लीग को विन किया हो, इसका कोई प्रूफ है, तो भाई इसका प्रूफ देखना चाहते हो ना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो भाई। टेलीग्राम चैनल पर पूरा दिन आप प्रूफ देखते रह जाओगे, इतना सारा प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप क्या कर सकते हो बड़े आसानी तरीके से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और देखो वहां पर से आप तो एक विनिंग प्रूफ भी देख सकते हो, साथ में जिस टीम से भाई मैं विन करता हूं सेम वही टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। तो अभी आपके सामने वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में यदि आप सोच रहे हो मेरे साथ साथ विन करना ढेर सारा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो को क्या कर देना कि भाई पूरा देख लेना। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मेरे साथ साथ विनिंग करना और साथ में विनिंग प्रूफ आपको ढेर सारा देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कि गाइस मैं आपको इस वीडियो में 3 ट्रिक बताऊंगा, यदि आप यह 3 ट्रिक को क्या ना कि टीम बनाने वक्त, आप क्या ना कि टीम क्रिएट करने वक्त या 3 ट्रिक को या 3 लॉजिक को आप वहां पर से अप्लाई कर देते हो तो भाई आप बड़े आसानी तरीके से क्या ना कि ग्रैंड लीग विन करने वाले हो यानी क्या कि जीएल विन करने वाले हो। 1 से 2 करोड़ रुपया विन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बहुत ही आसानी तरीके से विन कर जाओगे। अब गाइस आ जाते हैं, देखो यहां पर से सबसे पहले आप जो एक टीम क्रिएट करते हो, आप जो टीम बनाते हो ना तो उसमें आपका जो टीम होता है उसमें आपने देखा होगा कि भाई जैसे टीम क्रिएट करते हो तो माने कि चलो ऐसे करके क्या होता है कि ड्रीम इलेवन में आपको 11 माने कि चलो ये माने कि चलो 11 हो गया मतलब यहाँ पर से 11 खिलाड़ी को क्या कि मुझे अपने टीम में लेना, विकेट कीपर से सेलेक्ट करो, उसके बाद बैटिंग से सेलेक्ट करो, साथ में आप ऑलराउंडर्स में जाओ, उसके बाद आप क्या कि भाई बॉलिंग में जाओ। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या कि 4 फॉर्मेट से मिलता है, सबसे पहले मुझे विकेट कीपर सेलेक्ट करना है, बैटिंग सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऑलराउंडर्स, उसके बाद बॉलिंग से खिलाड़ियों को अपने टीम में सेलेक्ट करना है। अब आ जाते हैं आपके सामने क्या कि ये 11 खिलाड़ी हो गया, मुझे 11 खिलाड़ी को पिक करना है विकेट कीपर और साथ में बैटिंग से, उसके बाद ऑलराउंडर से, ताकि क्या कि भाई आप एक टीम बना सकते हो, एक आप क्या कि टीम क्रिएट कर सकते हो। वाइस प्लेयर्स मिलता है, वाइस प्लेयर्स में से 11 खिलाड़ी को अपने क्या कि टीम में पिक करना है, जिससे क्या होगा कि एक ड्रीम इलेवन के लिए टीम बन जाएगा, एक टीम जो वह क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आ जाओ तो सबसे पहले क्या होता है ना कि मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा,
20 टीम नहीं भाई, 5 टीम से क्या कि आप ग्रैंड लीग बड़े आसानी तरीके से विन कर जाओगे इस वीडियो के देखने के बाद। तो सोच रहे हो भाई ग्रैंड लीग को विन करना, सभी लोग सोच रहे हो तो सभी लोग वीडियो को पूरा देख लेना। अब देखो ये क्या होता है ना कि आपके सामने एक क्रेडिट होता है, टीम क्रिएट करोगे तो ऊपर में आपके सामने एक क्रेडिट होता है। अब देखो आपको क्रेडिट कितना मिलता है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर से क्या कि 100 क्रेडिट मिलता है, मतलब 100 क्रेडिट मिलता है। अब क्रेडिट क्या होता है, तो गैस यहाँ पर से बहुत सारा लोगों को पता होगा और बहुत सारा लोगों को नहीं भी पता होगा कि भाई क्रेडिट होता क्या है। जैसे कोई खिलाड़ी होगा और खिलाड़ी के नीचे क्या होता है कि एक तो सिलेक्शन होता है, उसके जस्ट आप बगल में देखोगे ना तो बगल में क्या होता है कि एक क्रेडिट होता है, और क्रेडिट के ऊपर में आपको 11 खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है, उसमें आपका एक 100 क्रेडिट मिलता है। अब 100 क्रेडिट क्या है कि आप लोग टीम जब भी आप टीम क्रिएट करते हो, जब भी आप टीम बनाते हो, तो वह पूरा 100 क्रेडिट को आप यूज करते हो भाई, पूरा आप क्या है ना कि 100 क्रेडिट के यूज करते हो। अब मान के चलो 100 क्रेडिट की यूज करते हो, इसमें से मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो 100 क्रेडिट को तकरीबन यहाँ पर से ड्रीम इलेवन में क्या है कि भाई 95% से अधिक लोगों के यहाँ पर से क्या कि 100% क्रेडिट को फुल करता, यानी उनका जो क्रेडिट होता है, उनका जो ये सोच होता है ना जब आप टीम क्रिएट करते हो भाई हाई वाले, मतलब यहाँ पर से देखा जाए हाई परसेंटेज जो खिलाड़ी होता है उसी को अपने टीम में लेकर के चलना, आपका माइंड में ये सेट हो जाता कि भाई यही खिलाड़ी हमारे लिए क्या यानी कि परफेक्ट होगा, यही खिलाड़ी हमारे लिए ग्रैंड लीग को विन करा जाएगा। बट आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने जिस खिलाड़ी को अपने टीम के ऊपर अपने टीम में सिलेक्ट करके जिस खिलाड़ी को आप अपने ऊपर क्या यानी कि ट्रस्ट किया कि भाई इस खिलाड़ी इस मैच में काफी अच्छा खासा करके जाएगा, बट ऐसा नहीं होता भाई, वही खिलाड़ी आपके टीम में क्या होता है कि फ्लॉप हो जाता है, मतलब वो खिलाड़ी नहीं चलता। अब क्रेडिट के अकॉर्डिंग आ जाओ तो जब भी आप टीम क्रिएट करते हो, जब भी आप टीम बनाते हो ना, तो उसमें आप 100% क्रेडिट को आप फुल कर देते हो। बट गाइस देखो मैं अभी आपको बताऊंगा आपको कितना क्रेडिट में बनाना, जैसे देखो आपको क्रेडिट जो यहाँ पर से बचत करना है, जितना आप क्रेडिट बचत करोगे टीम बनाने वक्त ना भाई, उतना आपका क्या होगा कि ड्रीम इलेवन में रैंक ऊपर जाएगा। अब देखो आपका रैंक ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि आप सोचते हो कि ड्रीम इलेवन में रैंक ऊपर जाए, तो रैंक ऊपर लाने के जो मैं अभी आपको बताऊंगा टिप्स नंबर फर्स्ट अभी आपको बता रहा हूं, यहीं पर से क्या कि भाई आप 50% ड्रीम इलेवन में आपका चांसेस बन जाएगा ग्रैंड लीग को विन करना। तो जैसे देखो ये जो 100% क्रेडिट होता है, तो इसमें आपको क्रेडिट नहीं पुल करना, क्रेडिट आपको बचाना, कैसे आप क्रेडिट को बचाओगे, जैसे 100 हो गया अभी आपको बताऊंगा, और इसे बताने के बाद यदि आप टीम क्रिएट करते हो उस वक्त क्या है कि आप बचाते हो, जितना क्रेडिट बचाओगे उतना टीम का रैंक ऊपर जाएगा। 100 हो गया, इसमें आप बचत कितना करना है, 20 क्रेडिट को आपको बचत करना है। अब देखो 20 क्रेडिट को आप यहीं पर से बचत करते हो तो गाइस यहीं पर से क्या कि मेगा ग्रैंड लीग को आप बड़े आसानी तरीके से विन कर जाओगे, 50% विनिंग की चांसेस आपका यहीं पर से हो जाता। जैसे सबसे पहले विकेट कीपर हो गया, विकेट कीपर से क्या ना कि गाइस एग्जांपल के लिए मैं ये मान लिया हूं कि ये जो देखते हो ये एक क्या कि विकेट कीपर हो गया। अब विकेट कीपर में देख लो तो इनका क्रेडिट देखते हो तो भाई इनका क्रेडिट कितना है, तो यहां पर से 9 क्रेडिट है, क्रेडिट देख लो 9 है। अब इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो गया एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं, इनका सिलेक्शन परसेंटेज जो होगा ना भाई यहाँ पर से मैं आपसे बोल सकता हूं इनको जो टीम में लेकर के जाएगा वह तकरीबन 90% लोग अपनी टीम में पिक करके जाएगा, तब तो इतना क्रेडिट है, मतलब अप्रॉक्स में कह सकते हो जब यहाँ पर से 9 क्रेडिट है तो 90% लोग अपने टीम में लेकर के जा रहा था, क्रेडिट यहाँ पर से मान लेते हैं यहाँ पर से 9 है तो कहीं ना कहीं कह सकते हो 92% लोग अपने टीम में लेकर के जा रहा, कोई खिलाड़ी हो गया एग्जाम्पल के लिए। अब देखो क्रेडिट क्या है कि यहाँ पर से देखते 8.5 है, तो क्या ना कि भाई यहाँ पर से कुछ कम है। इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना होगा, तो इनका जो लोग अपने टीम में लेकर के जाएंगे तकरीबन मैं आपको बता देता हूं 80% लोग अपने टीम में पिक करके जाएंगे। बट गाइस उससे पहले मैं एग्जांपल के लिए सेम यहाँ पर से देखो यही इसी प्रकार से आपको जो मिलेगा ना, मतलब 22 जो खिलाड़ी होता वो सभी खिलाड़ी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा 11 खिलाड़ी को अपने टीम में लेना होता हर एक मैच के लिए, ये होता लाइनअप के बाद आप ये सोचते हो। तो उसके बाद यहाँ पर से देखते हो सेम वही है,
दो ये जो खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ी का सेम है, बट आप देखो ये जो खिलाड़ी है ना, ये खिलाड़ी गैस देखते हो तो 6 पॉइंट कितना है, 6.5% नहीं, मान के चलो 6.5, ये क्या कि क्रेडिट है। अब इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना होगा मैं आपको बता दूं, तो भाई इनका सिलेक्शन परसेंटेज होगा, हो जाएगा ना, लोग अपने टीम में जो पिक करके जाएंगे वह कितना परसेंटेज, तकरीबन 30% लोग ही अपने टीम में इस खिलाड़ी को पिक करके जाता है। अब यहीं पर से क्या है ना कि आप क्या करना कि 30% ये जो खिलाड़ी को अपने लोग में, लोग अपने टीम में जो लेकर के जा रहा है, अपने टीम में क्रिएट करने वक्त लेकर के जा रहा, बहुत काफी आप बोल सकते हो हाई हो गया, एग्जांपल के लिए मान के चलो 20 भी हो सकता है या 26 भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको मान लिया 26% लोग ही अपने टीम में लेकर के जा सकता। अब यहाँ पर से आप समझना, इसे समझ जाते हो तो यहीं पर से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर से आपका ग्रैंड लीग विन होता है और जो भी ग्रैंड लीग विन करता है यहीं पर से विन करता है। तो भाई सबसे पहले आप देखो 26, उसके बाद यहाँ पर से देखते हो तो ये जो 20 हो गया एग्जाम्पल के लिए, इस खिलाड़ी को आखिर इतना कम लोग अपने टीम में क्यों लेकर के जा रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं तो ये 20% लोग मेगा ग्रैंड लीग में क्या ना कि भाई टीम क्रिएट करना जानता है, तब तो यहाँ पर से 20% या 26% लोग अपने टीम में लेकर के जा रहा, फिर यहाँ पर से आ जाते 7 क्रेडिट है, तो इनका देखा जाए तो सिलेक्शन परसेंटेज तकरीबन आप कह सकते हो कि इस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज आ जाएगा ना भाई, भाई यहाँ पर से एग्जाम्पल के लिए मान के चलो इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज आ जाएगा वह 50% के आसपास आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करना कि जैसे ये जो खिलाड़ी देखते हो इस ऐसे खिलाड़ी को आपको क्या करना, 4 खिलाड़ी को लेकर के चलना, कितना 4 खिलाड़ी को लेकर के चलना, 6 पॉइंट से जो यहाँ पर से नीचे हो या 7, मान के चलो 6.5 हो गया या 7 हो, या 7 का क्रेडिट हो, मतलब 7 का क्रेडिट हो, उस खिलाड़ी को क्या करना कि आप अपने टीम में लेकर के आना, आप अपने टीम में पिक करना, ऐसे आपको क्या करना 4 खिलाड़ी को निकालना। और भाई आप कैसे पता कर सकते हो कि इस खिलाड़ी को मैं अपने टीम में लूंगा तो ये परफेक्ट हो सकता है हमारे लिए या नहीं हो सकता, कैसे आप पता कर सकते हो, एग्जांपल के लिए मान के चलो कि क्या है कि भाई कोई मान के चलते एग्जांपल के लिए कोई खिलाड़ी हो गया, जैसे मान लो ए नाम का कोई खिलाड़ी है, ए नाम का ये खिलाड़ी है, बट मुझे पता ये जो खिलाड़ी है ना ये एक परफेक्ट खिलाड़ी है, बट रीसेंट में देखते तो रीसेंट में क्या कि इस खिलाड़ी के बल्ले से कुछ या मानेंगे चलो बॉलिंग भी हो सकता, बॉलिंग या यहाँ पर से बैटिंग से कुछ खास नहीं कर रहा, पिछले 4-5 महीने से कुछ खास नहीं किया, तब क्या होता है कि भाई उनका क्रेडिट घटता है, और क्रेडिट घटता तब आपको क्या करना है कि उस खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है। ऐसा आपको 3 से 4 खिलाड़ी प्रत्येक मैच में देखने को मिल जाएगा, और भाई 3 से 4 खिलाड़ी तो फिक्स है कि ऐसा देखने को मिलेगा, तो आप बड़े आसानी तरीके से पकड़ सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे लिए परफेक्ट हो सकता है, इस मैच में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। ये आपको क्या करना है कि लॉजिक लगाना है, और आप यहाँ पर से लॉजिक लगाते हो और लॉजिक के साथ उस खिलाड़ी को अपने ऐसे 4 खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के आते हो, 11 खिलाड़ी में से यदि आप 4 खिलाड़ी को क्या ना कि गाइस मेगा ग्रैंड लीग के लिए 11 खिलाड़ी में से आपको क्या करना है 4 खिलाड़ी को जो निकालना है यहाँ पर से लो क्रेडिट वाला का, लो क्रेडिट क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पर से क्रेडिट जो होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये जो क्रेडिट होना चाहिए वो लो होना चाहिए, ये 4 खिलाड़ी को अपने टीम में ले करके चलना। अब देखो यदि आप ऐसे 4 खिलाड़ी को अपने टीम में ले करके आना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 100 क्रेडिट, और यहाँ पर से मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ ये तो क्या हो गया कि 100 क्रेडिट हो गया। अब ऐसे 4 खिलाड़ी को लेते हो तो बड़े आसानी तरीके से मैंने आपको बोला था कि 20 क्रेडिट बचाना है, तो आप बचा सकते हो 15 क्रेडिट 16 क्रेडिट आप बड़े आसानी तरीके से बचा सकते हो, और जितना आप क्रेडिट बचाओगे उतना क्या कि भाई आप ग्रैंड लीग की कड़ी बचाओगे, यानी उतना ही आपका क्या हुआ कि टीम का रैंक काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। अब देखो टिप्स आपको फर्स्ट बता दिया हूं, अब आ जाते हैं सेकंड टिप्स में, सेकंड टिप्स भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड टिप्स भी आप समझ जाते हो, देखो तीनों टिप्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर से देखो सेकंड टिप्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा इसे भी आप क्या करना कि समझना। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मुकाबला जो होता है ना भाई, कभी कभी आपने क्या है कि सोचा होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, कोई मैच हो रहा है, जैसे क्या ना कि एक यहाँ पर से मैच हो रहा है वो इंडिया और साथ में मान लेते एग्जाम्पल के लिए इंडिया वर्सेस मान के चलो यहाँ पर से नीदरलैंड के बीच मुकाबला होने जा रहा है, इंडिया वर्सेज नीदरलैंड के बीच मुकाबला को ये इस मुकाबला को खेला जा रहा है। अब इसमें जब आप देखोगे ना तो भाई
कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो ये सब इंडिया क्या है कि भाई इंडिया एक स्ट्रांग टीम है और नीदरलैंड क्या है कि भाई एक वीक टीम है। अब देखो ये जो मुकाबला होने जा रहा हुआ है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के बीच मुकाबला होने जा रहा है, तो इसमें कैसे आप टीम क्रिएट करोगे, इसमें आप कैसे टीम को बनाओगे, तो आप ये सोचोगे कि इस मैच में विनिंग की चांसेस किसे बन सकता है, तो भाई आपका क्लियरली जवाब होगा कि इस मैच में विनिंग की चांसेस 100% आप कह सकते हो कि इंडिया का ही 100% विनिंग का चांसेस होगा। अब देखो 100% हो सकता है और यहाँ पर से क्या ना कि नीदरलैंड का 0% विनिंग का चांसेस है। कहीं ना कहीं आप ये कहो तो ये जो देखते हो ये एक स्ट्रांग टीम है और ये क्या कि वीक टीम है। अब आप ये सोचते हो ना कि भाई मैं एक ही दिन में ग्रैंड लीग को विन कर जाऊंगा, तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या किया कि उधर तो 3-4 साल बर्बाद किए हो, बट आप इस वीडियो को देखते हो तो मैं आपको बोलूंगा 10 मैच के लिए आप क्या है ना कि भाई इंतजार करो। 10 मैच आप इंतजार करते हो ना तो 11वां मैच में क्या ना कि भाई आप बड़े आसानी तरीके से ग्रैंड लीग विन कर जाओगे। विन करना बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसानी तरीके से विन कर जाओगे इस वीडियो के देखने के बाद जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखो आपको क्या करना है, जिस मैच में यहाँ पर से देखते हो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के बीच मुकाबला हो, तो ये मैच क्या होता है ना कि भाई जैकपॉट मैच होता है। आपने सुना होगा कि ये मैच क्या कि भाई जैकपॉट मैच है, यानी क्या कि भाई इस मैच में ग्रैंड लीग विन करना बहुत ही आसान है। आखिर इतना सारा लोग क्यों बोलता है जैकपॉट मैच में ग्रैंड लीग विन करना बहुत ही आसान है। भाई आसान ही होता वो आसान बनाता है, लेकिन बनाता कैसे ये समझना है, ये तो मुझे जानना है। अब देखो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के बीच यदि आप टीम क्रिएट करते हो, टीम बनाने जाते हो, तो इसमें आप ये सोचते हो कि आपका टीम क्या है ना कि भाई काफ़ी ज़्यादा सोच ये होता है ना कि आपका टीम होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के बीच मुकाबला है, तो इसमें ग्रैंड लीग को विन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आप इसमें टीम कैसे क्रिएट करोगे, टीम कैसे बनाओगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ इंडिया और साथ में नीदरलैंड के बीच से मुकाबला है। अब मान के चलो इंडिया टीम ने क्या किया कि टॉस जीत लिया। अब टॉस होने के बाद क्या कि इंडिया ने फैसला कर दिया कि भाई मैं यहाँ पर से बॉलिंग करूंगा। अब देखो बॉलिंग करेगा तो आप देखते हो तो बॉलिंग से मान के चलो सबसे पहले ये एक हो गया, फिर यहाँ पर से दो हो गया, डॉट डॉट कर देता हूँ। अब बॉलिंग देखो 7 नंबर 8 नंबर उसके बाद 9 नंबर आता, फिर यहाँ पर से क्या कि 10 नंबर 11 नंबर तक ये बॉलिंग हो गया। अब नीदरलैंड के अकॉर्डिंग आ जाऊँ, 1 यहाँ पर से 2 फिर यहाँ पर से 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल के लिए 8 9 फिर यहाँ पर से 10। अब बहुत सारा लोग कैसे टीम क्रिएट करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैच है ना आप इस मैच में ग्रैंड लीग विन कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर से देखते तो बहुत सारा लोग क्या करेंगे, ये जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज होता है इस टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को अपनी टीम में पिक करके जाते हैं। यहाँ पर से देखा जाए तो 99% लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करके टीम बनाते हैं। अब देखो ये जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है इस बल्लेबाज को अपनी टीम में लेकर के जाते हो, मतलब अपने टीम में लेकर के जाता। अब देखो यहाँ पर से ये टीम इंडिया के अगेंस्ट से देखते हैं तो ये 9 हो गया, फिर यहां पर से मान के चलो 10, फिर यहां पर से ये क्या हो गया 11 हो गया। अब इसे समझना, जैसे देखो ये तो क्या है कि भाई ये एक वीक टीम है और वीक टीम के बीच आप सोच रहे हो ग्रैंड लीग विन करना, यानी जैकपॉट मैच है इसमें ग्रैंड लीग विन करना, लेकिन विन नहीं कर पाते हो। यहीं पर से आप लॉजिक समझ जाते हो, यहीं पर से आप लॉजिक समझ करके टीम बनाते हो और टीम क्रिएट करते हो, तो भाई बड़े आसानी तरीके से विन कर जाओगे। अब देखो स्ट्रॉन्ग और साथ में वीक के बीच मुकाबला, उसके बाद क्या होता है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को अपनी टीम में लेना स्टार्ट करते हैं। बट गाइस देखो ये जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज होता है ना भाई ये नहीं चलेगा, यहाँ तक के बल्लेबाज नहीं चलेगा। 3 नंबर तक के तो कन्फर्म है कि नहीं चलेगा, शायद संजोग चल सकता बट नहीं चलेगा। अब देखो क्या होता है मैच, क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनिश्चितताओं का खेल है मैच के बारे में आप बोल सकते हो, बट फैंटेसी क्या कि भाई लॉजिक क्या खेल है। अब लॉजिक यहाँ पर से आपको क्या करना है, लगाना है 3 नंबर तक के नहीं चला तो आप ये करना कि ये जो 4 नंबर का जो यहाँ पर से खिलाड़ी देखते हो इस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के आना, फिर 5 नंबर के खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना, 6 नंबर के खिलाड़ी को आप क्या करना कि अपने टीम में लेकर के आना। क्योंकि मैच जो होता है ना कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई कोई यहाँ पर से टीम का काफ़ी ज़्यादा विकेट गिर गया, लेकिन क्या होता है कि कोई 5वें नंबर का प्लेयर्स होता, 4थे नंबर का प्लेयर्स होता या यहाँ पर से 6ठे नंबर का प्लेयर्स आता, वह एक बड़ा रन बना करके जाता, बड़ा स्कोर करके जाता। तो ऐसे करके क्या करना कि इस खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। अब देखो इंडिया के तरफ से देखते हो तो इंडिया के तरफ से क्या है कि भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग ओवर में कौन बॉलिंग करता, डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करता। तो इसलिए अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि प्रेडिक्शन का वीडियो मैं टाइम टू टाइम मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहता हूं।
तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिसमें आपको क्या है कि गाइस प्लेयर प्रत्येक प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ, कौन स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करता है, कौन डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, सारा कुछ देखने को आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। अब ऐसा इसमें देखना है कि ये जो बॉलर से ना 10वें नंबर का बॉलर से इंडिया की तरफ से, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गया, ये स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग लेकर के आते हैं। अब इस बॉलर्स को क्या करना, अपने टीम में लेकर के चलना, फिर देखना कि स्टार्टिंग ओवर में 11वें नंबर का बॉलर्स आते हैं, फिर देखना कि एक और बॉलर्स हो गया, जैसे ये जो 7वें नंबर का बॉलर से ये बॉलिंग लेकर के आते हैं। ये तीन खिलाड़ी को अपने टीम में निकालना, ये तीन खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। अब देखो कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो जो स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करेगा उसे आप अपने टीम के लिए चाहते हो ना भाई, कैप्टन या वाइस कैप्टन सिलेक्शन करना, तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो, सी बना दो, नहीं तो आप क्या कर दो कि बी सी बना करके जा सकते हो। अब क्या है कि भाई यहां पर से ये जो मैंने अभी आपको बताया नीदरलैंड की तरफ से, आप परफेक्ट खिलाड़ी को निकाल करके जा सकते हो, परफेक्ट खिलाड़ी को आप अपनी टीम में पिक करके जा सकते हो। मैंने बॉलिंग के बारे में बता दिया, साथ में यहां पर से इंडिया की तरफ से जो भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज होगा उसे अपनी टीम में लेकर के चलना। जैसे देखो एक नंबर एक का हो गया, दो का हो गया, तीन का हो गया या चार का हो गया, इस खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप ऐसे करके टीम बनाते हो, ऐसे करके आप टीम क्रिएट करते हो, तो इस जैकपॉट मैच में क्या है ना कि भाई आप ग्रैंडली को बड़ी आसानी तरीके से विन कर सकते हो। अब आ जाता है कि भाई मैं अभी आपको बताऊंगा टिप्स थर्ड, यदि आप यह टिप्स को अपनाते हो, यानी देखो सबसे पहले क्या ना कि भाई ट्रंप प्लेयर्स को आपको पता करना, प्रत्येक 11 खिलाड़ी में क्या होता है ना कि भाई यदि आप एक ट्रंप प्लेयर्स को पता कर लेते हो तो वह जीएल विन करा देगा। कैसे आप पता कर सकते हो कि वह कौन सा ट्रंप प्लेयर्स हो सकता है? जैसे देखो आप पता कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, ट्रंप प्लेयर्स को आप अपने टीम में निकाल सकते हो, ये ट्रंप प्लेयर्स को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहां पर से समझना, जैसे एग्जांपल के लिए ट्रंप प्लेयर्स जो होता है ना, कोई एक ट्रंप प्लेयर्स आपके लिए होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको बता दूं, तो जैसे जसप्रीत बुमराह, जैसे मान के चलो मैं अभी आपको बोल दूं तो जसप्रीत बुमराह हो गया, जैसे ये जसप्रीत बुमराह हो गया। अब ये जो बॉलर्स है ना, इस बॉलर्स का रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आते हैं, तो पिछले कुछ मैच से 0 विकेट निकाला, फिर 1 विकेट निकाला, फिर एग्जांपल के लिए मान के चलो 2 विकेट निकाला। अब देखो 2 विकेट तो बहुत हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ 0 विकेट हो गया। फिर यहाँ पर से देखो 0 विकेट निकाला पिछले 5 मैच में, फिर यहाँ पर से 0 विकेट निकाला, फिर यहाँ पर से मान के चलो 0 विकेट निकाला। अब इसका क्या होगा ना कि भाई सेम वही यहाँ पर से इनका क्रेडिट जो घट के आ जाएगा, 6 भी नीचे क्रेडिट आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मुझे पता है कि भाई ये जो खिलाड़ी, ये एक जसप्रीत बुमराह नाम का खिलाड़ी, इस खिलाड़ी को अपने टीम में ले लो भाई, सभी दुनिया छोड़ा आप अपने टीम में लो, इसी खिलाड़ी को क्या कर देना कैप्टन या वाइस कैप्टन सिलेक्ट करके जाना। क्योंकि यदि यहां पर से आपने देखा होगा कोई प्लेयर्स का पिछला 5 मैच खराब जाता तो भाई आने वाले अगले 6ठे मैच में भाई काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जाता है। बॉलिंग के बात हो तो भाई आने वाले 6ठे मैच में 4 विकेट 5 विकेट निकालते हैं। बैटिंग की बात हो तो क्या होना कि भाई यहाँ पर से कोई मान के चलो बैटर्स भी हो सकता है, पिछले कुछ मैचों से रन नहीं देखने को मिला, बट आने वाले 4थे 5वें मैच में या 6ठे मैच में क्या होता ना कि भाई उनके बल्ले से सेंचुरी भी देखने को मिलता। तो आप ये सोचते हो कि भाई यहाँ पर से मैं अपने टीम में इस खिलाड़ी को लेकर के चलता, तो ये सो क्या है कि भाई ये ट्रंप खिलाड़ी मेरे लिए साबित हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा, क्योंकि क्लियरली मैं आपको बता दिया हूँ। और गैस इसे बताने के बाद क्या ना कि यदि आप 5 टीम क्रिएट करते हो, 5 टीम बनाते हो, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई ग्रैंड लीग विन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी तरीके से आप ग्रैंड लीग को विन कर जाओगे। 20 टीम आप मत क्रिएट करना। देखो 20 टीम आप क्रिएट करते हो, वैसे मैं अभी आपको जो टिप्स दिया हूँ इसमें 5 टीम से ही क्या ना कि भाई ग्रैंड लीग विन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप ग्रैंड लीग को विन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो में सभी लोग।